तो दोस्तों आपका भाई आपके लिए एक और वीडियो के साथ आपके सामने आ गया है। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं, एक बिगिनर यूट्यूबर हैं, या फिर एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग का शौक है, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही बेहतरीन फ्री वीडियो एडिटर ऐप जिसका नाम है शॉर्टकट। गाइज ये सिर्फ इसका नाम ही शॉर्टकट है, बट इसका काम बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो एडिटर ऐप को अगर किसी पेड वर्जन से अगर कंपेरिजन करते हैं तो काफी बेहतर है, क्योंकि उससे कम नहीं है, अगर ज्यादा नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्रोमा की से लेकर वीडियो एडिटिंग से लेकर सारे इफेक्ट इसमें हैं। और प्लस सबसे बड़ी खूबी इसका यह है गाइस कि इसमें कोई भी वाटर मार्क नहीं है, ये सबसे बड़ी खूबी है। एक तो फीचर्स भी दी है, दूसरी वाटर मार्क भी नहीं दी है। तो मैं कहता हूं गाइस इससे बेटर अगर आपको कोई भी वीडियो एडिटर ऐप फ्री में है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे को नहीं लगता है कि आपको इससे बेटर वीडियो एडिटर ऐप नहीं मिलेगा। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपको इस शॉर्टकट के पूरे प्रोफाइल्स के बारे में, कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्या क्या इसमें ऑप्शन है, कहां कहां कौन कौन से ऑप्शन का कैसे यूज करना है, इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। और वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, ग्रीन स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए सीधा हम चलते हैं पीसी के स्क्रीन पे। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाराज टेक में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना है। तो चलिए हम चलते हैं अपने पीसी के स्क्रीन पे। तो पीसी के स्क्रीन पे आने के बाद गाइज आप गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे या मोजिला फायरफॉक्स, आप जो भी ऐप को ओपन करना चाहते हैं ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टकट डाउनलोड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्टकट डाउनलोड या डाउनलोड शॉर्टकट, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड शॉर्टकट का, यहाँ पे जो आइकन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ गाइज, आप वहाँ से भी डायरेक्ट आकर ओपन कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा शॉर्टकट का। तो जो मैं नीचे आपको लिंक प्रोवाइड किया हूँ उस लिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप इसी प्रोफाइल पे आ जाते हैं। इसके बाद जब आपको डाउनलोड करना हो तो सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं शो डाउनलोड फॉर JNU लिनक्स, मैक, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑल, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिख रहा है। तो चलिए अगर आपका विंडोज है तो विंडोज के लिए आप देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आपका दे दिया है। तो विंडोज के लिए आप इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका मैक है तो आप मैक पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैक का ऑप्शन खुल गया है। और अगर आपका विंडोज है तो विंडोज आपका स्टार्टिंग में ही जब प्रोफाइल ओपन करते हैं तो यहाँ पे विंडोज का ऑप्शन दे देता है। तो जैसे मेरे को डाउनलोड करना है तो चलिए मैं विंडोज इंस्टॉलर पर क्लिक कर लेता हूँ, आप पीसी पर भी क्लिक कर ले। तो चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड आएगा, इसे आप क्लोज कर देंगे। क्लिक करने के बाद गाइस जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कुछ इस तरह का आइकन खुल रहा है और यहां पे आप देख सकते हैं नीचे कॉर्नर पे तो ये मेरा डाउनलोड हो रहा है ऑटोमेटिक। जैसे आप वहां पे इंस्टॉलर पे क्लिक किए तो यहां पे मेरा डाउनलोडिंग हो रहा है। तो जैसे आप देख रहे हैं 73.2 MB का यहां पे डाउनलोड हो रहा है। तो गाइस अगर आप नीचे भी जाते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां डाउनलोड लिस्ट में, यहां पे देखिए ल्यूमेक्स का मैक, मैक और विंडोज इंस्टॉलर, विंडोज पोर्टेबल, यहां पे भी आपका दिया हुआ, आप यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज आप वहां पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगता है। और अब सबसे नीचे आते हैं गाइज तो यहाँ पे देख सकते हैं AVD Max, MP4 Joiner, ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर। तो ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर भी अच्छा है बट उसमें सारे फंक्शन आपको नहीं मिलता है। ये भी जो ओपन शॉर्ट वीडियो एडिटर है गाइज ये भी फ्री है बट इसमें आपको जो शॉर्टकट में आपको जो मिलता है वो आपको नहीं मिल पाता। मैं इसे पाउच कर देता हूँ क्योंकि मेरा डाउनलोड पहले से है, इस वजह से मैं इसे पाउच कर देता हूँ। चलिए मैं इसे कट करता हूँ। जब आपका डाउनलोड हो जाए तो अब आप अपने शॉर्टकट को ओपन कर लेंगे। तो जैसे मैं शॉर्टकट को ओपन कर लेता हूँ वीडियो एडिटर ऐप को, तो जब आप ऑन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। तो मैं आपको कुछ इंटरफेस के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ये जो आपको इंटरफेस दिया है यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको नाम अपना लिखना है। जैसे ये जो प्रोजेक्ट नेम लिखा हुआ है इसके बगल में आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा जो ब्लैंक कलर का है, इस पर आपको अपना नाम देना है। जो भी आप जो वीडियो एडिट कर रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम टाइप कर देंगे। तो चलिए मैं यहां पे नाम टाइप कर लेता हूं। जैसे मैंने नाम लिख दिया शॉर्टकट ट्यूटोरियल, उसके बाद आपको स्टार्ट के जो बटन है यहां पे आपको जो दिख रहा है इस पे आपको क्लिक कर ओपन कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख रहा होगा। तो मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में, सब चीज के बारे में जानकारी देता हूं जिसकी आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अभी मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे गाइस,
क्योंकि इस वीडियो में सारे ऑप्शन के बारे में बता दूंगा। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं या आप एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो इस ऐप के बारे में सारे जानकारी ले लें, क्योंकि ये एक फ्री टूल है गाइज। और जब वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई भी वाटर मार्क इसमें नहीं आता। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ओपन फाइल का, यहां पे जब आप क्लिक करते हैं तो सीधा आप अपने फाइल पे चले जाते हैं और वहां से आपको जो भी वीडियो ऑडियो फोटो वगैरह जो भी आपको यहां पे एडिट करने के लिए सिलेक्ट करना है आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये ओपन अदर, इसको आप छोड़ दें अभी। और इसके बाद आप देख रहे हैं सेव, ये सेव का ऑप्शन तब काम करता है गाइस जब मान लीजिए आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और आपको बीच में कोई वर्क आ गया, काम आ गया, तो आप वीडियो एडिटिंग अभी रोक देना चाहते हैं। तो जब सेव कर आप इसे कट करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब आप एडिटिंग करने के लिए ओपन करेंगे तो जैसा आप बंद किए थे वैसा ही डिटो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं पीक मीटर। पीक मीटर ये है दोस्तों, जैसे कि आप मान लीजिए अभी जब वीडियो प्ले करते हैं तो यहाँ पे एक साउंड का ऑप्शन आता है, जो जब भी आपका जो साउंड प्ले होता है तब यहाँ पे आप साउंड का इको यहाँ पे नजर आता है। इसके बाद आप देख रहे हैं रिसेंट, रिसेंट पे जब क्लिक करते हैं तो आप जो भी पहले आप क्लिक किए होंगे वो सारे आपको फाइल यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद प्लेलिस्ट जो आप बनाएंगे वो शो करेगा। फिर फिल्टर, फिल्टर वगैरह तो आपको यहाँ से भी आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद आप हिस्ट्री, और इसके बाद आपको एक्सपोर्ट। तो जब आप वीडियो एडिटिंग कंप्लीट कर देंगे तो आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करके आप अपने वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे और आप वीडियो को रेडी कर लेंगे। तो ये था गाइस आपका ट्यूटोरियल। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ इंटरफेस के लिए। तो ये जो आपको जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ आप जब भी कोई फाइल को ओपन करके यहाँ सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको शो होगा। जब आप किसी वीडियो को ओपन करके प्ले करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन आपको यहाँ शो करेगा। और ये जो आपको बॉक्स दे रहा है गाइस यहाँ पे आप जो भी वीडियो एडिटिंग ऑडियो एडिटिंग फोटो वगैरह करेंगे तो आप यहाँ से एडिटिंग वगैरह करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फाइल को ओपन करके दिखा देता हूँ। चलिए तो मैं फाइल ओपन फाइल पे क्लिक करता हूँ। ओपन फाइल पे क्लिक करने के बाद चलिए मैं कुछ अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फाइल सिलेक्ट करने के लिए मैं अभी आपको जैसे फाइल सिलेक्ट करने के लिए सिखा दे रहा हूँ गाइस। जैसे कि मान लीजिए मुझे दो तीन पिक्चर लेना है तो दो तीन पिक्चर लेने के लिए मुझे कैसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैं इस पर सिलेक्ट किया, फिर इसके बाद मान लीजिए मुझे ये लेना है तो मैं इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया। और मान लीजिए तो ये कैसे सिलेक्ट होता है, जैसे आप माउस जब क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक ही सिलेक्ट होगा, दूसरे पर सिलेक्ट करेंगे तो फिर वो हट जाएगा। तो आपको CTRL बटन टाइप करके फिर माउस को आपको सभी पर क्लिक करना है, जो जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी आप अपना फाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको ओपन बटन पे क्लिक करना है। तो ओपन बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो फाइल है ये देखिए यहाँ पे आपका शो हो गया, ये मेरा जो वीडियो प्ले हो गया। तो आप इसे पॉज कर देंगे। अब मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड के लिए लेना है तो मैं और भी कुछ फाइल ले लेता हूँ। तो मैंने गाइस यहाँ पे इतने सारे फोटो वगैरह ले लिया। अब देखिए आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप फाइल पे ओपन करते हैं और किसी एक फाइल को जब सिलेक्ट करते हैं तो जैसे मैं आपको एक फाइल सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इस फाइल को सिलेक्ट किया, इस फाइल को सिलेक्ट जैसे ही किया और ओपन किया तो ये फाइल यहाँ पे आ गई गाइस। जैसे अभी मैं इसे पॉज करता हूँ, ये फाइल यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आपका फाइल वो नहीं आया है। तो इस फाइल को यहाँ पे लाने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इस फाइल को माउस के बटन को क्लिक करेंगे और ड्रैग कर आप इसे यहाँ पे लाकर छोड़ देंगे। तो जब छोड़ते हैं तो देखिए ये यहाँ पे आपका अब आ गया। अब इतने सारे वीडियो मैंने ले लिया, अब मुझे एडिटिंग करना है। तो चलिए मैं एडिटिंग करने के लिए एक ऑडियो फाइल भी ले लेता हूँ। तो ओपन फाइल करके एक ऑडियो भी ले लेता हूँ मैं। तो मैंने एक ऑडियो भी ले लिया, अब यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ड्रैग कर यहाँ कर दिया उसे ऑडियो को भी। अब मुझे एडिटिंग करने के लिए किसी भी फाइल को जिससे मैं पहले एडिटिंग करना चाहता हूँ उसे मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा। यहाँ से किसी भी फाइल को लेकर यहाँ पे मुझे ड्रैग करना होगा। तो चलिए मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इस फाइल को मुझे यहाँ पे एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए मैं यहाँ ड्रैग करके यहाँ लाया और यहाँ पे छोड़ दिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया है। अब यहाँ पे देखिए ये वीडियो ट्रैक है। अब मुझे मान लीजिए कि और भी ट्रैक ऐड करने हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो थ्री लाइन का आपको बटन दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सबसे फर्स्ट में ट्रैक ऑपरेशन का। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ बगल में ऐड ऑडियो ट्रैक, ऐड वीडियो ट्रैक, इंसर्ट ट्रैक, रिमूव ट्रैक, यहाँ से ऑडियो ट्रैक भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो ट्रैक और ट्रैक को किसी भी ट्रैक को इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक वीडियो ट्रैक को एडिट ले लेता हूँ। तो वीडियो ट्रैक जैसे ही मैं यहाँ पे लिया, देखिए यहाँ पे एक वीडियो ट्रैक आ गया। अब मान लीजिए दोस्तों जैसे कि मुझे और भी कोई वीडियो लेना है, तो जैसे मैं इस वीडियो को ले लेता हूँ और यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देता हूँ। एक बात का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब आप इसे एडिटिंग जब आप वीडियो करेंगे तो ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन,
मैग्नेट का, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक मैग्नेट का, तो मैग्नेट के बटन को आप हमेशा क्लिक ऑन रखेंगे। देखिए जैसे अभी इसे ऑन में किया तो ये ब्लू हो गया, और जब इसे ऑन नहीं है तो ये ब्लू नहीं है। तो ब्लू इसका मतलब ये है दोस्तों इसे ऑन करने का, कि जब भी आप कोई फाइल को, जैसे आप मान लीजिए यहाँ से एक फाइल है, लंबा फाइल है, और यहाँ से आप यहाँ से इतना आपने कट किया, कट करने के बाद इतना गैप हो जाता है, तो आप क्या करते हैं इस फाइल को क्लिक कर कर ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ड्रैग करते हैं तो जैसे ही इसके पास में देखिए जाएगा तो ये स्पीड में वहाँ पे जाकर सट जाएगा, ये देखिए सट गया। तो अब यहाँ पे सट जाता है खुद ब खुद, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे जब इसे मैं मान लीजिए इसे मैं यहाँ कर दिया, इसको जब यहाँ पे सटाता हूँ मैं इस वीडियो के साथ, तो क्या होता है उस वीडियो पर भी चढ़ जाता है, या फिर हल्का दूर रहता है, या फिर गैपिंग थोड़ी सी रह जाती है, तो सही से यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसे आप हमेशा ऑन रखेंगे, और जैसे ही आप वीडियो को ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपना सट जाएगा और वीडियो को एक साथ प्ले कर देगा। तो इसे हमेशा आप ऑन ही रखें। अब मुझे मान लीजिए दोस्तों किसी भी वीडियो को, क्लिप को मुझे एक जगह से ट्रिम करना है, तो जैसे मैं इस वीडियो के आ जाता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले इसे मैं इसे कर्सर को मैं हिला के यहाँ पे ले आया, अब यहाँ पे प्ले होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कर्व नहीं दिख रहा होगा, जो साउंड का जो कर्व है, जैसे यहाँ पे आपको कर्व नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ ये सब कर्व आपको दिख रहा है, ये सब आपको दिख रहा है कर्व, बट यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है। तो ये जो ब्लैंक दिख रहा है इसका मतलब मैं यहाँ पे साइलेंट था। जैसे यहाँ पे प्ले किया मैं वीडियो को, मैं वीडियो को जैसे आपको प्ले कर कर दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं साइलेंट हो गया था। अब मुझे यहाँ आपका ट्रिम करना है, तो ट्रिम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जो बटन दिख रहा है मैग्नेट के बगल में जो अभी आपको मैंने दिखाया था ये यहाँ पे, तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक जहाँ पे आप करेंगे वो आप जो वहाँ से वीडियो ट्रिम हो जाएगी। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे ट्रिम करना है, तो यहाँ पे ट्रिम करें, मैं यहाँ पे साइलेंट था तो यहाँ से मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ। यहाँ से आप ट्रिम करने के लिए यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं जिस वीडियो को आपको ट्रिम करना है उस पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इस वीडियो पर क्लिक किया तो ये वीडियो सिलेक्ट हो गया, और इस वीडियो को करना है एडिटिंग तो इस वीडियो पर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, कट करने के बाद इसे प्ले करता हूँ और देखता हूँ कहाँ पे फिर यहाँ पे मुझे करना। अब गाइस यहाँ पे जैसे लग रहा है मुझे थोड़ा सा पहले या ज़्यादा होना चाहिए, तो इससे मैं जूम कर लूँगा यहाँ से। आप जूम करने के बाद आप देख सकते हैं इतना दूर मेरा जो वीडियो है पाउज है। तो अब मैं इसे अब यहाँ यहाँ पे ले आऊँगा, इस कर्सर को इधर करके यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे ले आना है। अब यहाँ से मैं इसे ट्रिम कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रिम किया और ये ट्रिम हो गया। अब इसे मैं जूम आउट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो ये मेरा वीडियो हुआ इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। ये नहीं कि जैसे आप ट्रिम के डिलीट करेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, आपको यहाँ पे सेट करना है और डिलीट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। आपके जो कीपैड पे डिलीट बटन उसे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं ये देखिए डिलीट कर दिया, और CTRL Z आप मान लीजिए किसी भी टाइप को मान लीजिए गलती से डिलीट कर दिए वीडियो को, तो आप CTRL+Z क्लिक करेंगे तो वो वापिस आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ पे मैंने गलत ट्रिम कर दिया, अब मुझे इसे ज्वाइंट करना है, तो फिर आप CTRL Z करेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए जो कटिंग किए थे वो ज्वाइंट हो गया। और यहाँ से भी आप अंडो के बटन पे जो आपको ऊपर दिख रहा है ये अंडो, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आप जो भी कटिंग किए हैं वो आपका ज्वाइंट हो जाएगा, जैसे बैक में चला जाएगा। मतलब ये देखिए यहाँ पे जो ट्रिम किया था वो मेरा बैक में चला गया, और यहाँ रेंडो करेंगे तो जैसे ही जो कट किया फिर जो कट किया था वो वापिस आ गया, और फिर मैं कट किया जो डिलीट हो गया। तो ये ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ से, ये सब सेटिंग को आप ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए मुझे इसे ड्रैग कर कर इसे यहाँ पे सटाना है, तो इसे मैं ड्रैग कर माउस से यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे देखिए जो साइलेंट था वो साइलेंट अब यहाँ से हट जाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से मैंने जो वीडियो कटिंग किया था, जो मेरा खराब हो गया था वीडियो, मैंने वहां से कट कर कर एक साथ ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने पर जब प्ले करता हूँ तो देखिए कैसा सही प्ले होता है। तो देखिए दोस्तों कैसे ये एडिटिंग हो गया पता भी नहीं चला, जैसे आप यहाँ पे प्ले करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि यहाँ पे वीडियो कटिंग हुआ है। आई होप दोस्तों इस शॉर्टकट वीडियो एडिटर ऐप के सारे टूल्स के बारे में आपको अब जानकारी हो गई होगी, और ग्रीन स्क्रीन कैसे चेंज करते हैं उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।